मेरे मिजाज को समझने के लिए बस इतना ही काफी है कि मैं उसका हरगिज नहीं होता जो हर एक का हो जाए। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स माउंट में। और हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आज ये मेरा तीसरा टाइप है और चौथा क्लास। तो चलिए सीखिए मेरे साथ टाइम एंड वर्क। प्रश्न दिया हुआ है, एक सरवाई किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु एक्स ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन तक काम किया है एक्स और 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। शेष काम वाई अकेले कितना दिन में करेगा? ठीक है, एक्स और वाई नाम के दो वर्कर हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक्स जो है 2 दिन तक ही काम करता है और दूसरा दिन के बाद में, और फिर वाई को अकेले काम करना पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि एक्स का क्षमता और वाई का क्षमता पता करेंगे। ठीक है, अब एक्स जब काम करता है तो कितना दिन में कर लेगा? तो 10 दिन में। तो इसका क्षमता 1/10 हो गया और वाई का क्षमता कितना हो गया? 1/15 हो गया। ठीक है, क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं? 1/ में पूरा काम करने में लगा समय। तो एक्स को 10 दिन लगता है और वाई को 15 दिन लगता है। ठीक है, क्षमता आपको पता हो गया। अब एक एक चीज आप ध्यान दीजिए, अब एक चीज ध्यान देना होगा कि 2 दिन बाद काम छोड़कर गया है, अर्थात काम छोड़ने से पहले दोनों साथ साथ काम किए हैं। कितना दिन तक? 2 दिन तक। ठीक है, आइए देखिएगा, 1/10 और 1/15। ठीक है, एक्स का कार्य क्षमता और वाई का क्षमता, ठीक है, लिख लिए। अब दोनों जो है साथ साथ काम किए हैं, कितना दिन तक? 2 दिन तक किए हुए हैं। ठीक है, अब 2 दिन तक काम किए हैं तो 2 दिन में काम खत्म नहीं हो जाता है। बोल रहा है कि शेष काम, ठीक है, वाई अकेले कितना दिन में करेगा। अब शेष काम के लिए हम क्या कर लेंगे? पहले ये जो काम है, दोनों का काम ज्ञात कर लीजिए कि कितना काम किए हुए हैं। तो देखिएगा इसको हल करने के बाद में, एलसीएम ले लीजिए, 30 आ जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और इसको 2 दिन से गुना करना है। ठीक है, तो 5/30 और गुना में 2, 5 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, अर्थात 1/3 काम 2 दिन में किया गया है। 2 दिन में कितना काम किया गया? 1/3। अब शेष काम जो होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो शेष काम बराबर, इधर देखिएगा, शेष काम बराबर 1 में से 1/3 को घटा दीजिए, शेष काम आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब शेष काम 2/3 कैसे आया? 1 में से क्यों घटा है? क्योंकि किसी काम को 1 मानते हैं, 1 काम में से 1/3 काम घटा है तो शेष काम बच गया। अब शेष काम को कौन करेगा? शेष काम को वाई करेगा। वाई का कार्य क्षमता कितना है? 1/15। इसका कार्य क्षमता कितना? 1/15 है। 1/15 कार्य क्षमता है और एक काम को कर देता है। ठीक है, एक काम को करने में 15 दिन इसको लगता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो 2/3 काम को करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, 2/3 गुना में 15 हो जाएगा। इसको इससे काटिए 5 बार में और बराबर 10 दिन। यही आंसर है। आप सोच रहे होंगे कि 1/15 = 1 लिख दिए, फिर 2/3 = 2/3 गुना में 15 कर दिए, कैसे कर दिए? ठीक है, अब एक काम को करने में इसको 15 दिन का समय लगता है, इसका मतलब यही हुआ कि 1/15 = 1 दिन। ठीक है, ये इसका क्षमता है और इसका ये हो गया। तो एक दिन में 1/15 काम किया जा रहा है तो कितना दिन में 2/3 काम किया जाएगा? तो 10 दिन में किया जाएगा। समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि एक दिन में अगर आप, ठीक है, 20 काम को 1 दिन में कर देते हैं, अदरवाइज 60 काम आपको दे दिया जाए तो कितना दिन में कीजिएगा? अगर 20 काम को 1 दिन में करते हैं तो 60 काम को कितना दिन में कीजिएगा? 3 दिन में कीजिएगा। कैसे ज्ञात कर लेंगे? 60/20 कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ भेजकर इसको भाग में भेज देते हैं। ठीक है, तो वही चीज किए हुए हैं कि जो काम अब करना है, जो शेष काम बचा हुआ है उसको यहाँ लिखिए और 1/15 से इसमें भाग दीजिए। ठीक है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, भाग वाला गुना में चला जाता है। तो इस तरह से 10 दिन आपका आंसर है। ठीक है, एक और तरीका है इसको बनाने के लिए, उसको भी आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसका दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, कि शेष काम जो है वाई को अकेले करना है, उसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, कि शेष काम
बराबर एक्स, ठीक है। एक्स काम को वाई अकेले बच रहा है करने के लिए, लेकिन उससे पहले दो दिन दोनों मिल करके काम किए हुए हैं, कौन कौन, तो एक्स और वाई, ठीक है। एक्स का कार्य क्षमता प्लस वाई का कार्य क्षमता दो दिन के लिए काम किए हुए हैं, और प्लस में अब क्या हो जाता है, शेष काम। शेष काम कितना है, एक्स है, इसको कौन करेगा, वाई करेगा, इसलिए वाई के कार्य क्षमता से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब जो है दो दिन का कार्य प्लस शेष कार्य मिला करके एक काम पूरा हो जाता है, हो जाता है। तो अब देखिएगा यहां पे क्या हो जाता है कि पांच बट्टा में तीस और गुना में दो, ठीक है। इससे इसको काटिए कितना बार में, पंद्रह बार में। इससे इसको काटिए कितना बार, तीन बार में। और यहां क्या हो गया, एक्स बट्टा पंद्रह, ठीक है। तो एक बटा तीन प्लस एक्स बटा पंद्रह। अब इसको क्या कर लेंगे कि भिन्न का जोड़ बना लेंगे, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, पंद्रह एलसीएम आ गया है तो पांच हो गया यहाँ पे और यहाँ पे एक्स हो गया, और बराबर में क्या, एक, कौन सा, ये वाला है, ठीक है। इधर देखिएगा, अब ये जो भाग में है पंद्रह, इसको बराबर को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो पांच प्लस एक्स बराबर पंद्रह हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्स बराबर क्या कर लेंगे, पंद्रह में से पांच को घटा लीजिए, पंद्रह माइनस पांच बराबर दस, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि शेष काम वाई अकेले कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो शेष काम वाई दस दिन में पूरा कर रहा है, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न बन गया। इसका दो तरीका बताएं, सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि जो दो दिन का काम है, ठीक है, दो दिन का काम प्लस शेष काम मिला करके कोई काम पूरा होता है, अर्थात एक काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम दो दिन का काम दोनों का ज्ञात कर लेते हैं और एक में से घटा लेते हैं तो ये जो शेष काम है पता चल जाएगा, और जब शेष काम पता चल जाता है तो उसमें वाई के एफिशियंसी से, कार्य क्षमता से गुना कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि शेष काम कितना दिन में पूरा होगा, वो चीज हमको पता चल जाता है। दो दिन का काम प्लस शेष काम बराबर पूरा काम, ठीक है। इसको हल करने के बाद में दस दिन आया जो आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है ए बी सी किसी काम को क्रमशः दस दिन, पंद्रह दिन तथा बीस दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु दो दिन बाद ए तथा तीन दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। इसमें तीन वर्कर हैं, कितने काम करने वाले हैं, तीन हैं, ए बी तथा सी हैं। ए जो है दस दिन में किसी काम को कर सकता है, और बी उसी काम को पंद्रह दिन में, तथा सी उसी काम को बीस दिन में कर सकता है, ठीक है। और तीनों एक साथ मिलकर के काम को शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है दो दिन तक ही काम कर पाता है, दो दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, और बी तीन दिन तक काम करता है, फिर उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है। अब शेष काम जो बचा हुआ है उसको सी को पूरा करना पड़ेगा। अब सी बच रहा है अकेले, तो यही पूछ रहा है कि सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि पूरा काम जो है कितना हो सकता है। माना पूरा काम करने में, पूरा काम करने में लगा समय बराबर एक्स दिन, ठीक है। एक्स दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। अब जो ए है कितना दिन तक काम करता है, दो दिन तक करता है, ठीक है। इसीलिए दो दिन गुना एक बटा में दस, दिन से इसके क्षमता में गुना, जोड़ तीन गुना एक बटा पंद्रह, तीन से अर्थात दिन के संख्या से बी के कार्य क्षमता में गुना, तो बी का कार्य क्षमता एक बटा पंद्रह हो गया है। अब जो है सी, जो है सी भी काम करता है, लेकिन वो पूरा काम करता है, जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक काम में लगा रहता है। तो सी जो है पूरे काम को करता है और एक बटा बीस कार्य क्षमता से, अब जा करके काम पूरा खत्म हो जाता है। दो दिन ए करता है, तीन दिन बी करता है, और बाकी का काम सी करता है। तो इस तरह से काम पूरा हो जाता है, काम के लिए एक, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो से इसको काटिए पांच बार में, तीन से इसको काटिए पांच बार में, ठीक है। अब ये तो नहीं कटेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, अब एक्स बटा में बीस, कौन सा, ये एक्स से गुना कर दीजिए, एक्स बटा बीस हो गया है। अब एक माइनस,
अब एक बटा में पांच इधर होता है तो इस तरह भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा। यह अभी एक बटा पांच हो जाएगा, इसको भी माइनस में भेज दीजिए, तो एक बटा पांच हो गया अब इधर, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाता है देखिएगा, एक्स बटा बीस बराबर भिन्न का घटाव आप सबको आता होगा तो बना लीजिए पांच माइनस एक माइनस एक, ठीक है। अब इधर से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांच में से दो जाएगा तो तीन बटा पांच बच जाएगा, तो एक्स बटा बीस बराबर तीन बटा में पांच, ठीक है। अब ये भागा में है जो इधर जाकर के गुना में हो जाएगा, तो एक्स बराबर तीन बटा पांच गुना बीस, पांच इसको काटिए चार बार में, एक्स बराबर बारह हो गया है, ठीक है। अब बारह आंसर नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि बारह जो है पूरा काम करने में लगा समय है, इस काम को सिर्फ सी ही नहीं किया है, इस काम को ए भी किया है और बी भी किया है, ए जो है दो दिन तक किया है और बी जो है तीन दिन तक किया है, ठीक है। तो बारह में से इन दोनों का किया हुआ जो समय है उसको घटा लीजिए, तो तीन दिन तक मतलब दूसरा कोई काम किया है और उसके बाद किसको करना पड़ा है, सी को करना पड़ा है, तो बारह में से तीन दिन को घटा लीजिए, ठीक, समझ रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं तीन को, क्योंकि तीन दिन तक ए और बी काम किए हैं, दो दिन तक ये काम किया है और तीसरा दिन तक बी काम किया है, इसीलिए जितना दिन तक उन लोग काम किए हैं सी को छोड़ करके बाकी सब जितना दिन तक काम किया उसको घटा लिया जाता है, ठीक है। तो दो दिन तक ए किया और तीन दिन तक बी किया, इसलिए तीन वाला घटाएंगे हम, तीन में दो दिन भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो बारह में से तीन गया है तो नौ दिन हो गया है जो कि सी द्वारा किया गया है, यही आंसर है, कोई दिक्कत। क्या किए हैं हम, सबसे पहले जिस चीज को आपको ज्ञात करना है उसी को मान लीजिए। अब सी जो है अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो हम माने हैं कि पूरा काम को मान लीजिए, सिर्फ शेष काम को मानने से इस पे नहीं बनेगा, क्योंकि सी जो है शुरू से काम करते आ रहा है, इन लोग के साथ में सी काम करते आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है दो दिन तक काम किया और तीन दिन तक बी काम किया, लेकिन सी को जो है ना पूरा काम करना पड़ा, शुरू से लगा रह गया, तो सी जो है एक्स दिन तक काम किया, तो सी को अकेले कितना काम करना पड़ा, तीन दिन तक तो ये लोग साथ दिए हैं, चलिए दो दिन में ये आउट हो जाता है ए, ठीक है, और बी तीसरा दिन में खत्म हो जाता है, बाकी जो है इतना दिन सहयोग करने के बाद में इसको अकेले छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए कुल काम जो है बारह दिन में खत्म हुआ था, लेकिन इसमें तीन दिन दूसरा कोई भी आके काम किया है, इसीलिए सी को अकेले काम करना पड़ा कितना दिन, नौ दिन तक, यही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम एक काम को 18 दिन में, श्याम 20 दिन में तथा मोहन 30 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम तथा मोहन मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं परंतु दो दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में राम कितना समय लेगा, राम कितना समय ले रहा है, ठीक है। तो राम कितना समय लेगा इसको हम देखिए कैसे बताते हैं। अब यहां देख लेंगे कि श्याम तथा मोहन मिलकर इस कार्य को शुरू करता है, ठीक है, उसमें अभी राम शामिल नहीं है, बस दो ही जन है श्याम और मोहन। तो कितना दिन तक श्याम और मोहन कार्य कर रहे हैं, तो दो दिन तक कर रहे हैं। चलिए श्याम का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, एक बटा बीस, और मोहन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, एक बटा तीस। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं लेकिन दो दिन तक ही काम कर रहे हैं, इसीलिए दिन के संख्या से गुना। एक दिन का कार्य क्षमता है एक बटा बीस, और मोहन का भी एक दिन का कार्य क्षमता है एक बटा तीस, तो दो दिन काम किया है ना, इसलिए दो से गुना। अब चलिए इसको हल करते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, साठ हो जाएगा, इधर तीन हो गया, इधर दो हो गया, ठीक है, और इधर दो से गुना कर लीजिए, तो पांच बटा साठ हो जाता है फिर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पांच बटा साठ है तो पांच से कटा देगा ये, तो एक बटा बारह हो गया, और फिर इस दो से काटिए इसको तो एक बटा छह हो गया, ठीक है। अब जो है शेष काम आप निकाल लीजिए, शेष काम कितना बचेगा, कोई भी काम एक होता है, ठीक है, एक काम के बराबर होता है, तो एक में से एक माइनस छह कर लीजिए, ठीक है, एक में से एक बटा छह को घटा लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेष काम निकल करके आ गया पांच बटा छह, ठीक है। अब जो है किसको करना है, राम को करना है, राम एक काम को अठारह दिन में कर सकता है, ठीक है, तो राम का एक बटा अठारह जो है कार्य क्षमता है,
इतना काम को एक दिन में कर सकता है तो 5/6 काम को कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, 1 × 18। ठीक है, अब ये जो है इधर जाकर के गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5/6। ये देखिए उल्टा नहीं होगा। ठीक है, इसको हम अगर भाग देते तो उल्टा करते हैं, भाग में उल्टा करते हैं, लेकिन गुना है तो सीधा इसका 5/6 से गुना कीजिए, इसको 6 से इसको काटिए 3 बार में, आंसर आ गया 15 दिन, यही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसका क्षमता ज्ञात कीजिए, दोनों मिलकर के 2 दिन काम किया है इसीलिए 2 से गुना कर दिए हैं। इसको हल करने के बाद पता चला कि 1/6 काम ही लोग दोनों मिलकर के 2 दिन में किया है। ठीक है, अब 1/6 काम किया है, एक काम का 1/6 हिस्सा ये लोग काम किया है, तो शेष काम कैसे निकालते हैं, एक काम में से 1/6 को घटा दिए तो 5/6 आ गया है, ये शेष काम हो गया है। अब शेष काम को कौन करेगा, तो राम करेगा, और राम का एफिशिएंसी कितना है, 1/18 है, राम का कार्य क्षमता है 1/18 है, एक काम को 18 दिन में निपटाता है राम। ठीक है, तो 5/6 काम को कितना दिन में निपटाएगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक सेव का दाम 5 रुपया है तो 10 सेव का दाम कितना है, तो 5 × 10 कीजिएगा ना, उसी तरह से 1/18 में 5/6 से गुना कर दिए। ठीक है, उसके बाद आ गया 15 दिन, यही आंसर है। इसका एक और तरीका है, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में राम कितना समय लेगा, नहीं पता है कितना समय लेगा, तो मान लेंगे कि राम जो है, राम शेष कार्य में x समय लेगा। ठीक है, शेष कार्य को करने में राम द्वारा लिया गया समय x, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि राम कितना समय लेगा, तो x समय लेगा, ऐसा हम मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो श्याम और मोहन मिलकर के 2 दिन ही काम किए हैं, तो श्याम का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, श्याम कौन है, मिडिल वाला है, 1/20। ठीक है, और मोहन लास्ट वाला है, 1/30। दोनों मिला है तो कितना काम किया, 2 दिन तक काम किया, और बाकी का शेष काम किसको करना पड़ रहा है, ये काम राम को करना पड़ रहा है, तो जितना काम करना पड़ रहा है उससे इसके क्षमता में गुना करते हैं, तब जाकर के 1 दिन का काम पूरा हो जाएगा, एक काम पूरा हो जाएगा, 1 दिन का नहीं, एक काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2 दिन का काम प्लस शेष काम मिला देंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, पूरा काम को 1 मानते हैं। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 5/60 और गुना में 2 प्लस 1/18 बराबर 1। चलिए इसको काटिए, 12 से कट गया, इसको फिर काटिए 6 बार में कट गया, देखिएगा अब इस तरफ क्या बचा हुआ है, 1/6, 1/6 प्लस 1/18 और बराबर में 1। 1/6 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो 1/18 बराबर 1 − 1/6 बराबर 5/6 बच गया। ठीक है, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा, 5/6 × 18, 6 से 3 बार में कट गया, 15 दिन, यही आंसर है। ठीक है, शेष काम ज्ञात करना था हमको, कितना दिन में राम पूरा कर लेगा, तो 2 दिन का काम प्लस शेष काम। ठीक है, 2 दिन का काम प्लस शेष काम बराबर पूरा काम होता है। ठीक है, इस तरह के आपको कहीं भी प्रश्न आए तो ऐसा आप बैठा लीजिएगा कि दो दिन में किया गया काम प्लस शेष समय में किया गया काम। ठीक है, तो हमको दिन ज्ञात करना है, काम नहीं बताना है, कितना दिन समय लगेगा समय बताना है हमको, तो 2 दिन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे शेष समय हो गया। ठीक है, तो 2 दिन और शेष दिन का जोड़ कर लेते हैं तो पूरा दिन में मतलब काम खत्म हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, हमको काम करवाना होता है, समय और काम में हमको काम पूरा करवाना होता है समय के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से बनाने के बाद में आपको 15 दिन निकल करके आया है। चलिए, आपको समझाने का मैंने भरपूर कोशिश किया है, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्न के साथ में अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।